विश्व भर में अमन और शांति को बहाल करने के लिए सीमावर्ती जिले पुंछ की तहसील मंडी से जिला राजौरी तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में बीएसएफ के कुल 40 जवानों ने भाग लिया। जवानों की ओर से लोगों को अमन, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया और उन्हें आश्वस्त किया गया कि वे हर समय उनके साथ खड़े हैं। इस संबंध में एक आला अधिकारी ने हमारे संवाददाता सरफराज चक से बातचीत करते हुए कहा कि 7 घंटों में राजौरी पहुंचना उनका लक्ष्य है और मौसम की खराबी के बावजूद भी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार लोगों को एक साथ जोड़ने में उनका ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा ताकि जिले के साथ साथ राज्य जम्मू कश्मीर और पूरे देश में अमन और शांति को बरकरार रखा जा सके। इस साइकिल रैली का नाम है सॉलिडारिटी रैली। 101 किलोमीटर की है, मंडी से लेकर राजौरी तक ये आज हम जाएंगे और इसमें करीब 40 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब भी बीएसएफ के हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, लोगों में अमन चैन की भावना पैदा करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें बताना कि हम हमेशा और सदैव आपके साथ खड़े हैं। ये जी साहब, जैसे कि इस वक्त में बिल्कुल जोश है, जवान जोशीले हैं, ऑफिसर जोशीले हैं, साथ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई पीछे नहीं रहा है और सब ने जोश के साथ पूरा इसको करने का मजा उठा रखा। तो कितने टाइम में जो आप ये रेस जो है मंडी से जोड़ी तक, 7 घंटा प्लस का हमारा टारगेट है जिसमें कि हम रेस्ट भी करेंगे और लंच का भी है, तो 7 घंटे प्लस में हम कोशिश करके कर देंगे। बर्फबारी हो गई तो थोड़ा सा रोड कंडीशंस थोड़ी सी खराब है, हो सकता है उसकी वजह से 30 मिनट 40 मिनट ज़्यादा लग जाए, अदरवाइज हम 7 घंटे प्लस में इसको पूरा राजौरी में पहुँचा देंगे। जी जी सर, कहाँ से आप? हमने मंडी से शुरू किया है, मंडी हमारे बीएसएफ हेडक्वार्टर से शुरू किया और हम आज राजौरी जाएंगे, तो पूरा जो डिस्टेंस होगा वो 101 किलोमीटर का डिस्टेंस हम पूरा कर पाएंगे।